नारायण हरि। हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट ईयर 2021 हिस्ट्री मेंस सिविल सर्विसेज एग्जाम्स ऑप्शनल क्वेश्चन फ्रॉम पेपर फर्स्ट। द क्वेश्चन इज डू यू कंसीडर सुल्तान इल्तुतमिश टू बी द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या इल्तुतमिश को हम दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर मान सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है रियल फाउंडर। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रियल फाउंडर। रियल फाउंडर से क्या मतलब है, फाउंडर भी बोला जा सकता था। तो रियल फाउंडर अगर लिखा गया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई अनरियल फाउंडर भी है, और अनरियल फाउंडर और रियल फाउंडर में एक डिबेट है कि हु इज द रियल फाउंडर। तो अब ये अनरियल फाउंडर कौन था, दैट वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हम अगर रियल फाउंडर इल्तुतमिश को बोल रहे हैं दिल्ली सल्तनत का, तो कहीं ना कहीं ऐबक जो था ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो फाउंडर तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन रियल फाउंडर हम इल्तुतमिश को बोल रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना है। तो इसमें ऐबक के सामने क्या चैलेंज थे और उन चैलेंजेस को, इसका मतलब ऐबक ने सक्सेसफुली उनको अचीव नहीं किया होगा, उन चैलेंजेस को ओवरपावर नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फाउंडर, उसको फाउंडर बोल दिया गया। लेकिन जो चैलेंजेस ऐबक के सामने थे और कुछ और चैलेंजेस आए इल्तुतमिश के सामने, इल्तुतमिश ने उन सभी चैलेंजेस को प्रॉपरली सॉल्व किया, अचीव्ड किया, सक्सेस अचीव्ड की, उनको ओवरपावर किया। तो दैट्स व्हाई कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह हम इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस क्या थे कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने, ऐबक ने उनको कैसे डिस्कस, कैसे उनको टैकल किया, इल्तुतमिश ने अपने चैलेंजेस को कैसे टैकल किया। तो डेफिनेटली अगर हम इल्तुतमिश को रियल फाउंडर बोल रहे हैं तो इसका मतलब इल्तुतमिश ने कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस को मोर बोल्डली और मोर सक्सेसफुली टैकल किया होगा एज कम्पेयर टू कुतुबुद्दीन ऐबक। दैट्स वाई इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर। बाद में हम एक कंपैरिजन करेंगे दोनों में, क्या चैलेंजेस थे ऐबक के सामने और ऐबक ने उनको कैसे डील किया और इल्तुतमिश ने उनको कैसे डील किया। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल कर आएगा, हम क्वेश्चन के साथ ही जाएंगे कि रियल फाउंडर ऑफ दिस दिल्ली सल्तनत वॉज इल्तुतमिश। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ ऐबक की, तो ऐबक के सामने जो चैलेंजेस थे उस टाइम राजपूत चैलेंज था, डिस्टेंट गवर्नर के चैलेंजेस थे, और गजनी के जो रूलर्स थे वो भी क्लेम कर रहे थे ऐबक के प्रोविंसेस के ऊपर, और क्लेम ऑफ ख्वारिज्म शाह का भी उसके ऊपर क्लेम था। तो ये चैलेंजेस थे, इनको हम मैप की फॉर्म में प्रॉपरली समझते हैं, देन दैट विल बी मोर क्लियर टू यू पीपल। देखो स्टूडेंट्स, ये इंडिया का मैप लिया है हमने, और इसमें ये जो एरिया है ये पाकिस्तान एरिया है, ये पी फॉर पाकिस्तान एंड ए फॉर अफगानिस्तान रीजन है। तो अफगानिस्तान में जो इंपॉर्टेंट रीजन है, यहां पर एक तो गौर है जहां से मोहम्मद गौरी बिलोंग करता था, देन दिट इज काबुल, दिस इज गजनी, एंड दिस इज कंधार एंड हेरात रीजन है। तो अब इसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं, तो एंड हु वाज दिस कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने इंडिया में जो अटैक्स किए और जो एरिया कैप्चर किया उसको वहां पर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट कर दिया, एंड देन ही लेफ्ट इंडिया एंड अगेन वेंट टू गौर। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के पास जो एरिया आया है उसमें मुल्तान का एरिया था, भटिंडा जो हमारे पंजाब का रीजन है, आफ्टर दैट अनहिलवाड़ जो गुजरात का रीजन है, अजमेर राजस्थान रीजन, देन दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, एटा, कन्नौज, ये यूपी का एरिया। तो ये एरियाज जो थे ये कुतुबुद्दीन के पास थे। अब कुतुबुद्दीन इनको प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं रख पाया और ना ही उसने इन एरिया को एक्सटेंड किया, तो दैट्स वाई हम उसको रियल फाउंडर नहीं मानते हैं। अब देखिए इसमें जो चैलेंजेस जो थे वो राजपूत चैलेंजेस थे, राजपूत भी कहीं ना कहीं they also wanted to show them that they were the sovereign power, and कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी तरफ से भी एक चैलेंज मिल रहा था। तो ये सब चैलेंज थे कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने। जो डिस्टेंट गवर्नर्स थे, डिस्टेंट गवर्नर्स के अंदर ये बंगाल का जो रीजन है और ये बिहार और बंगाल का जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो रूलर्स थे वो भी कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक को चैलेंज कर रहे थे। पर्टिकुलरली जो रूलर था बंगाल का अली मर्दान खान वो यहां पर चैलेंज कर रहा था। तो इसमें ये भी एक चैलेंज था, एक प्रॉब्लम थी कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने। उसके साथ
जो गजनी के जो रूलर्स थे, ये जो गजनी का जो एरिया मैंने आप लोगों को दिखाया है, यहाँ पर नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्डौज, ये दो रूलर्स थे जो इन पूरे एरियाज पर जहां पर कुतुबुद्दीन रूल कर रहा था, इनको वो अपना रूल, अपना एरिया मान रहे थे और बोल रहे थे कि इन एरियाज के ऊपर हमारा क्लेम है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर रूल कर रहा है, तो उसकी तरफ, उस राजपूत की तरफ से भी उसको चैलेंज आ रहा है, इधर बंगाल और बिहार की तरफ से भी उसको चैलेंज मिल रहा है, गजनी से भी उसको चैलेंज मिल रहा है। उसके साथ साथ ख्वारिज्म शाह, ख्वारिज्म जो एरिया है आज का जो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो रूल का जो एरिया है, दैट एरिया इज नोन एज द ख्वारिज्म, और उस ख्वारिज्म का जो रूलर था उसका नाम जो था दैट वॉज द अलाउद्दीन मोहम्मद। तो अलाउद्दीन मोहम्मद भी कहीं ना कहीं इन एरियाज के ऊपर अपना क्लेम कर रहा था। तो हमने देखा कि ये सब चैलेंज थे, प्रॉब्लम्स थे कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने व्हेन कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द रूलर इन 1206, और 1206 से 1210 तक उसने रूल किया, तो सिर्फ 4 ईयर्स वो रूल कर पाया। इस वजह से भी वो इन सारे चैलेंजेस को प्रॉपरली डील नहीं कर पाया था सक्सेसफुली। तो ये उसके चैलेंजेस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अब इसमें उसने इन चैलेंजेस को डील करने के लिए जो गजनी के जो रूलर्स थे, इसमें कुबाचा हो गया और ताजुद्दीन यल्डौज था, उसके साथ उसने मैट्रिमोनियल रिलेशन एस्टेब्लिश किए अपनी पोजिशन को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन एट लास्ट हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो राजपूत प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, और जो एरिया था कुतुबुद्दीन का इंडिया में, उसको वो प्रॉपरली स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं कि इसलिए कहीं ना कहीं इल्तुतमिश को हम रियल फाउंडर बोलते हैं। तो उसने जो पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन थी, ना ही वो इस एरिया को कहीं ना कहीं प्रॉपरली कंसोलिडेट कर एक्सटेंड कर पाया, अपने एरिया को बढ़ा भी नहीं पाया था। तो ये चैलेंजेस थे, और हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इन चैलेंजेस को कुतुबुद्दीन ऐबक ने फेस किया। तो इसमें हम एक प्लस पॉइंट कुतुबुद्दीन का बोल सकते हैं कि ही गॉट हार्डली 4 ईयर्स ऑफ रूल। तो 4 ईयर्स के रूल में वो इन सब चैलेंजेस को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाया। इल्तुतमिश का रीजन तो बहुत था, इल्तुतमिश ने 2011 से 2036 तक रूल किया है, तो इसलिए ये भी हो सकता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि दैट्स वाई दिस इल्तुतमिश गॉट मच मोर टाइम एज कम्पेयर टू द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड दैट्स वाई ही कुड गेट मच मोर सक्सेस इन हिज इंडियन अफेयर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वर द चैलेंजेस ऑफ द इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के पास जो चैलेंजेस थे उसमें भी जो क्लेम्स थे गजनी के जो कंटेंडर्स थे, जिसमें कुबाचा और नसीरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्डौज, वो इन एरियाज के ऊपर अपना क्लेम कर रहे थे जो इल्तुतमिश के रूलर बनने के बाद। आफ्टर दैट राजपूत का भी क्लेम्स था, कुबाचा का क्लेम्स था, बंगाल और बिहार के अंदर जो रूलर्स थे वो भी क्लेम कर रहे थे, और इसके साथ जो इल्तुतमिश को जो एरिया मिला था वो एक मिलिट्री जागीर थी, वो एक स्टेबल एरिया नहीं था, तो वो भी एक चैलेंज था। उसके साथ साथ मंगोल थ्रीट्स भी थी। तो ये सारे चैलेंजेस थे कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में, इल्तुतमिश के सामने भी। तो इल्तुतमिश ने इन सब चैलेंजेस को किस तरह से सॉल्व किया, अब ये हम लोगों को देखना है, और इसमें हम प्रूफ करेंगे कि इल्तुतमिश ने इन चैलेंजेस को मोर बोल्डली और मोर सक्सेसफुली डील किया था एज कम्पेयर टू कुतुबुद्दीन ऐबक। दैट्स वाई ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसमें हम देखते हैं यल्डौज जो था, तो यल्डौज ने कोई डिफीट कर दिया था इल्तुतमिश ने इन द बैटल ऑफ तराइन में, इसको डिफीट किया। सेकेंडली कुबाचा था, कुबाचा को भी इसने इल्तुतमिश ने डिफीट किया और फोर्स किया कुबाचा को कि वो ही उसने उसको फोर्स किया, एंड दैट्स वाई दिस कुबाचा वॉज ड्रॉन्ड इन द रिवर इंडस, और उसने इंडस में उसको कूदकर आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि उसको फोर्स किया गया। तो इल्तुतमिश ने दोनों अपने जो कंटेंडर्स थे गजनी के, यल्डौज और कुबाचा, दोनों को डिफीट कर दिया। उसके साथ साथ उसने जो राजपूत रूलर्स थे उनसे भी उन जो एरिया राजपूत ने कैप्चर्ड कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, इल्तुतमिश ने वो एरिया उनसे वापस ले लिया, चाहे वो एरिया राजपूत के राजस्थान का एरिया हो, यूपी का हो या अवध का हो। तो उसने राजपूत प्रॉब्लम्स को भी प्रॉपरली डील किया एज कम्पेयर टू कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबाचा को उसने डील किया और यल्डौज को डील किया। बंगाल और बिहार में जो इस टाइम पर्टिकुलर रूल चल रहा था वो गियासुद्दीन का था और मलिक इख्तियारुद्दीन बलका खलजी, तो उसने बंगाल और बिहार के जो ये रूलर्स थे इनको भी डिफीट किया और बंगाल और बिहार को अपने एरिया में कंसोलिडेट किया। देन मिलिट्री जागीर का जो कंसेप्ट है, इल्तुतमिश को मिलिट्री जागीर मिली थी, तो मिलिट्री जागीर का क्या मतलब होता है कि वो एरिया
तब तक ही कंट्रोल में रहेगा जब तक उस वहां पर फोर्स रहेगी, और जैसे ही फोर्स हटा देंगे तो वहां पर रिवोल्ट हो सकता है। तो मिलिट्री जागीर जो थी वो इल्तुतमिश को मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक से, तो उसने मिलिट्री जागीर का, तो मिलिट्री जागीर का मतलब ये है कि इतना जो ये एरिया था इल्तुतमिश का, वहां पर उसको मिलिट्री जागीर थी, वो उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो उसने इस मिलिट्री जागीर एरिया को भी को खत्म किया और उसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके साथ जो मंगोल थ्रेट आ रहा था, मंगोल थ्रेट के अंदर चंगेज खान एक इंपॉर्टेंट मंगोल रूलर था, और मंगोल रूलर चंगेज खान ने जो ख्वारिज्म रूलर था, ख्वारिज्म का जो एरिया था जो सेंट्रल एशिया का रीजन है आज के टाइम में, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का जो एरिया है, उस एरिया को के ऊपर उसने अपना क्लेम किया चंगेज खान ने। लेकिन उस एरिया का जो हेयर अपेरेंट था, हेयर अपेरेंट वहां पर जो था इस पर्टिकुलर टाइम, वो जलालुद्दीन मकबरनी था। तो जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खान से डर कर भागा और इंडिया की तरफ आया। तो जब वो इंडिया की तरफ आया तो इल्तुतमिश ने उसको शेल्टर नहीं दिया या उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। उससे क्या हुआ, इससे जो मंगोल रूलर चंगेज खान था उसके रिलेशन इल्तुतमिश के साथ खराब नहीं हुए। तो इस वजह से उसने मंगोल थ्रेट को भी कहीं ना कहीं अवॉइड किया और मंगोल थ्रेट को उसने डिप्लोमेटिकली डील किया। अगर वो मकबरनी को, जलालुद्दीन मकबरनी को जो ख्वारिज्म एरिया का हेयर अपेरेंट था, जो वहां का रूलर बनने वाला था, तो अगर ये इसको प्रोटेक्शन दे देता इल्तुतमिश, तो कहीं ना कहीं चंगेज खान से इसके रिलेशन खराब हो सकते थे। तो इसने इस तरह से चंगेज खान के साथ भी अपने रिलेशन कॉर्डियल रखे और मंगोल थ्रेट को इसने अवॉइड कर दिया। तो इस वजह से हमने देखा कि इल्तुतमिश को सक्सेस मिली है, क्योंकि उसने उन सारे प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली डील किया जिनको कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, आप बोल सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक हैड वेरी लिटिल टाइम ऑफ 4 years ओनली, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया, इल्तुतमिश ने उन प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व किया। अब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन जो था, तो रिकॉग्निशन जो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था वो बगदाद के खलीफा से नहीं मिला था, और वो रिकॉग्निशन बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को मिला था। दैट्स व्हाई इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर। गजनी कॉन्टेंडर्स को इल्तुतमिश ने प्रॉपरली डील किया और उनको खत्म किया, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाया था। दैट्स व्हाई इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर। राजपूत से एरियाज को रिकैप्चर्ड किया इल्तुतमिश ने, दैट्स व्हाई इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर। मिलिट्री जागीर जो मिली थी उसको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की इल्तुतमिश ने, और उस एरिया में इसने हेरिडिटरी मोनार्की का रूल लाया, और उसके साथ इसने दिल्ली सल्तनत को एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया। इसने अपने एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड कर दिया, जो कि प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी। और इल्तुतमिश के टाइम में जो मिलिट्री जागीर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में थी, इल्तुतमिश ने उसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया। तो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके साथ इसने क्वाइंस भी चलाए, टका और जीतल जिनको बोला जाता है, एएल श्रीवास्तव और सर वुल्सले हेग। इसीलिए बोलते हैं कि इल्तुतमिश वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड नॉट कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके स्टूडेंट्स, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कुड गेट वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।